वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अभी का जो हमारा टॉपिक है वही बात कि हम आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी हमेशा फोकस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी रीजन हैं जिस पे हम डिस्कशन या डिटेल बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज हम उसको डिस्कस करेंगे, आज हम इंसोम्निया में बात करेंगे बेसिकली है क्या। उसके लिए डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर उज्मा सदाकत जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उज्मा सदाकत से हम चूँकि बात करने वाले इंसोम्निया के ऊपर और उनसे हम पूछेंगे क्या क्या वजह है और ये बेसिकली टर्म है क्या, इस पर भी डिफाइन करते हैं। वेलकम टू शो उज्मा, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जनाब, हम कॉल्स भी ले रहे हैं, कॉल्स हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप कॉल कर सकते हैं, उज्मा से बात करना चाहे वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर देंगे। कोई सवाल है जो आप करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बने। उज्मा, सबसे पहले तो हम बात करें इंसोम्निया है क्या बेसिकली। इंसोम्निया बेसिकली एक स्लीप डिसऑर्डर है कि ये बेख्वाबी का एक मर्ज है जिसमें लोगों को जो मुब्तला है उसके अंदर उन्हें सोने में दुश्वारी पेश आती है। रात को वो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, या अगर नींद आ जाए तो फिर रात में वो काफी दफा उठते हैं और उन्हें दोबारा सोने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। बाज़ुकात ये भी इंसोम्निया की एक शक्ल हो सकती है कि कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है वो जाग जाए और फिर दोबारा ना सो सके और दिन भर वो टायर्ड रहे या स्लीपीनेस उसको होती रहे और दिन भर वो इसी तरह की कैफियत में जागता रहे। ये इंसोम्निया की मुख्तलिफ अशकाल हैं जो कि उसमें मुब्तला शख्स को सामना उनका करना पड़ सकता है। अच्छा, वजूहात क्या है बेसिकली, क्या कह सकते हैं कि इंसोम्निया क्यों होता है, कोई रीजन स्पेसिफिक या हमारा लाइफस्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली। अच्छा, इंसोम्निया को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक को प्राइमरी इंसोम्निया कहा जाता है। प्राइमरी इंसोम्निया से मुराद है कि ये ऐसी बेखाबी का मर्ज है जिसकी कोई पीछे वजूहात जिस्मानी नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल वजह नहीं है, बगैर किसी वजह के आपको नींद में जाने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो हम देखते हैं कि वो सेकेंडरी इंसोम्निया है। सेकेंडरी इंसोम्निया से मुराद है कि पीछे कोई जिस्मानी मर्ज है, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, जैसे डिप्रेशन का मर्ज है, जिसकी वजह से आपको नींद में जाने में डिफिकल्टी पेश आती है। जब हम प्राइमरी इंसोम्निया की बात करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कोई गुड स्लीप हैबिट्स को डेवलप करने की जरूरत पेश आती है अगर आप उसे मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी इंसोम्निया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पहला इलाज है वो आपके उस जिस्मानी मर्ज का होने की जरूरत है या कोई सेकेंडरी इलनेस है उसका इलाज होने की जरूरत है, और उसके बाद जब डिफिकल्टीज हैं तो उन्हें आप फिर गुड स्लीप हैबिट्स से मैनेज करने की तरफ जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर उज्मा, अभी चूंकि हम बात कर रहे थे, उज्मा मैं सॉरी बार बार वो ही रिपीट कर रही हूँ, उज्मा समटाइम्स आपका जो इंसोम्निया होता है स्पेसिफिकली एक फेज आता है, उसके बाद क्यों भी हो जाता है, ऑन एंड ऑफ ये चीजें जारी रहती है, कभी आपके स्लीपिंग जो एक पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्या वजह है? ये इसमें एक्यूट इंसोम्निया है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट से मुराद है कि किसी एक दिन किसी स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आती, लेकिन नेक्स्ट डे आप अच्छी नींद को लेने की तरफ जाते हैं और उस रूटीन को बहाल रखते हैं। फिर किसी एक दिन जो है वो कोई दो हफ्तों के बाद फिर आपको नींद नहीं आती। क्रॉनिक इंसोम्निया से मुराद है कि आप हफ्ते में कोई तीन दिन मुसलसल बेख्वाबी का शिकार रहते हैं और उन औकात के बाद ये तकरीबन कोई एक माह तक सिलसिला आपके साथ चलता रहता है, तो हम इसको क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं कि आपको मुसलसल बेख्वाबी का मर्ज जो है आप उसके शिकार हैं और आपको कोई मैनेज करने के लिए अच्छी कोई तरकीब इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये खाली खोली सिर्फ वेट करने से मसला आपका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। अच्छा, लाइफस्टाइल और क्या एज ग्रुप है जिनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है ज्यादा, किसी भी एज में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एज भी है? किसी भी ये एज में हो सकता है, लेकिन खासतौर पे हम इसको मिडल एज से लेट एज के अंदर देखने की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे बेखाबी का मर्ज आपको ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम यंग एज की बात करें, जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनमें स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो कोई बहुत अच्छी वो डेवलप नहीं करते। जैसे रात को सेलफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगर है, रात को देर तक स्क्रीन को देखने की आदत उन्हें है, या कोई टैबलेट से किताब पढ़ने की आदत है, तो ये चीजें डिफिकल्टी उन्हें पेश आती हैं। इस तरह कुछ लोग जो हैं वो अगर रात को कॉफी पीने के शौकीन हैं या इवनिंग के बाद वो कॉफी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी उन्हें सोने में जो दुश्वारी है वो पेश आती है। सो लाइफस्टाइल भी मैटर आपका करता है कि क्या है, और एज जो है उसमें मिडल एज या फिर लेट एज जो है उसके अंदर ज्यादा इंसोम्निया का मर्ज हो गया। उज्मा तो हमारे साथ हैं जो हमें बता रही है इंसोम्निया के हवाले से, हमें सेंगर ने भी ज्वाइन किया है, नासिर बिराज हमारे साथ, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे आपके सिंगिंग बैकग्राउंड के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं? हाँ जी, मेरे उस्ताद थे पहले शमशेर सिंह, ठीक है, जो इंडिया से थे, दलेर मेहंदी के बड़े भाई थे। अच्छा, और उनका इंतकाल हो गया 8 महीना पहले, उसके बाद फिर मैंने एक अच्छे उस्ताद की मुझे जरूरत थी, फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में
نگاہ دڑائی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ملکو جیاں بھنگڑا کنگ جو ہے ہمارے محترم, تو ان کے پھر میں نے باقاعدہ شاگردی اختیار کی ہے. تو اب ان کے ساتھ ہی پروگرام وغیرہ بہت اچھے اچھے بھنگڑے کر رہے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک نیا جو جانر ہے وہ بھنگڑا ہے. جی ہاں بھنگڑا. اچھا تو آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ ہم آپ کو آج سنائیں گے بھنگڑے سنائیں گے. ڈی جے والے ٹھیک ہے, چلیں گے آپ سے ہم کوئی سنتے ہیں بھنگڑا ٹریک. سجدائے بول بڑا سجدائے بول بڑا سجدائے جی والا گانا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے
जबरदस्त फुल एनर्जी आपने सुपर सुपर डाल दी हमारे देखने वालों में भी, थैंक यू जी जनाब। हमने अभी फुल एनर्जी वाला एक डांस और एक गाना तो सुना, लेकिन अब जरा थोड़ा इंसोम्निया पे दोबारा से आते हैं उसमें आपकी जानिब। अभी चूंकि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस क्या ये भी फैक्टर्स है, उसको आपने इंक्लूड तो किया, लेकिन ये कितना प्रोलॉन्ग हो तो इसको समझा जाए, क्योंकि आम स्लीपिंग डिसऑर्डर में या इंसोम्निया में डिफरेंस करने के लिए भी कुछ है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर तो कोई शख्स एक हफ्ते के अंदर 3 दिन बेख्वाबी का शिकार रहता है और ऐसा मुसलसल 1 माह तक चलता है, तो फिर इसका मतलब है कि उसे किसी ना किसी मौलिज से जरूर रब्ता करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक चीज बुनियादी जो जहन में रखने की जरूरत है कि अगर तो कोई फिजिकल इलनेस नहीं है तो फिर किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता किया जा सकता है, जहाँ पे उसका इलाज जो है वो करवाया जाए। क्या मेडिसिन पे होता है? मेडिसिन से होता है। फर्ज करें कि अगर कोई फिजिकल इलनेस है मौजूद तो पहले तो उसका इलाज करवाएं, और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है तो आप अद्वियात की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जहां मैं एक बात ज्यादा जोर से कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ घरों में खवातीन अक्सर बेख्वाबी के मर्ज का शिकार रहती हैं और वो खुद ही ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर स्लीपिंग पिल्स को इस्तेमाल करती हैं। सो अगर आप बेख्वाबी का मर्ज का शिकार हैं तो आपको किसी डॉक्टर से राबता करना चाहिए, किसी माहिर नफ्सियात से राबता करना चाहिए। वो जो मेडिसिन आपको दें सिर्फ उतनी ही महदूद तादाद में उसका इस्तेमाल रखें, उसके बगैर खुद से घर में दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं ये आपके अंदर एडिक्शन का मर्ज भी जो है वो इग्नाइट कर सकती हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में खवातीन के अंदर एडिक्शन का मर्ज काफी कॉमन है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की एडिक्शन जो है वो है, यानी वो अद्वियात जो कि डॉक्टर तजवीज करते हैं उनकी एडिक्शन में वो मुब्तला रहती हैं, और सालह साल ये मर्ज घरों में पलता रहता है और पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि डॉक्टर जो दवाई तजवीज करते हैं वो कोई नुकसान नहीं आपको दे सकती, जबकि उससे भी कई नुकसान जो है हो सकते हैं। अच्छा, इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपने बताया कि नेचुरल चीज है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इसका रिस्क भी होता है डेफिनेटली हर इंसान में, क्या किया जाए इसके रिस्क को कम करने? अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो खुद से ना किया जाए, जो डॉक्टर तजवीज़ करे जितनी मुद्दत तक तजवीज़ करे उतनी ही मुद्दत तक उसको रखें। फर्ज करें आपको उसे आराम नहीं आता तो आप दोबारा अपने डॉक्टर से जाके मिलें कि इससे मुझे आराम नहीं आया, आप काइंडली मुझे बताएं कि क्या मैं इसी को कंटिन्यू करूं या आप कुछ इसका डोज जो है वो चेंज करने की तरफ जाएंगे। ज्यादातर ये होता है कि घर में जब भी दवाई कोई पड़ी होती है आराम नहीं आता तो हम उसकी डोज को थोड़ा डबल कर देते हैं, उससे आराम नहीं आता तो 3 गुना बढ़ा देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अद्वियात ही हमारे जिस्म में एक टॉलरेंस होती है, जब ज्यादा मुद्दत तक हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो असर नहीं करती। अब या तो उस दवाई को डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेंज कर देगा, घर में आप करेंगे तो आप डोज को ज्यादा करेंगे। एक दवाई की टॉलरेंस जब खत्म हो गई तो वो ज्यादा डोज बढ़ाने से कुछ ही अरसा आपको काम करेगी, उसके बाद दोबारा उसका असर खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर्स आमतौर पर उनके पास एक काफी वाइड रेंज मेडिकेशन का होता है, वो एक असर नहीं करी तो दूसरा देने की तरफ जाएंगे, दूसरा असर नहीं करा तो तीसरी दवाई देने की तरफ जाएंगे। सो दवाइयों का मामला डॉक्टर तक ही महदूद रखें, इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, और सेल्फ मेडिकेशन से भी डेफिनेटली अवॉइड करें। मैं सेल्फ मेडिकेशन की ही बात कर रही हूँ कि किसी भी तरह की दवाई जो है वो खुद से लेने की तरफ ना जाए। अच्छा, इंसोम्निया की हम बात करें, क्योंकि डेफिनेटली आप कुछ लोगों की आदत भी होती है कि उनको अगर नींद नहीं पूरी हो रही, या वर्किंग लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो वो जानकर भी कुछ होते हैं कि अच्छा पूरी रात जागते रहेंगे अगर सुबह अर्ली ना उठना पड़े। क्या मुसलसल नींद ना पूरी होने से भी इंसोम्निया हो सकता है? बेसिकली मुख्तलिफ फैक्टर हैं, जैसे हम जब गुड स्लीपिंग हैबिट्स की बात करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि आपको ये अपना सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर कर लें। अगर आप किसी दिन 8 बजे सोते हैं, किसी दिन 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं और सुबह उठते भी डिफरेंट औकात में हैं तो आपको बेख्वाबी का मर्ज हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई एक वक्त मुतय्यन किया है और आप यूजुअली उसी टाइम पे अपने बेड के ऊपर जाते हैं सोने के लिए और एक टाइम है जिसके ऊपर आप उठते हैं तो फिर आप इस मर्ज से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा कॉफी का इस्तेमाल, जो अगर आप इवनिंग के बाद 6 बजे के बाद कॉफी पानी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग से आप ज्यादा शुरू करें, इसके अलावा सिगरेट से परहेज करें, शराब नोशी से परहेज करें तो फिर आपको बेख्वाबी का मर्ज नहीं होगा। इसके अलावा जो लाइफ स्ट्रेसेस हैं, बाज़ूकात हमें लगता है कि जब हम बेड पे जाते हैं तो फिर सारे दिन की सोचें हम पे हावी होती हैं और हमें जो भी मसले होते हैं वो हमने बिस्तर पे लेटकर सोचना होते हैं। बेड जो है वो हमेशा सोने के लिए होता है, जब भी आपको कोई सोच आए तो अपने आप को लाउड आवाज में आप कह सकते हैं कि ये वक्त मेरा सोने का है, सुबह मैं फलां टाइम पे 11 बजे उठकर तो इस मसले के बारे में सोचूंगी, फिलहाल मैंने नहीं सोचना। और जब आप 2-4 दिन इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कि बेड टाइम पे आपकी जो सोचें हैं वो पीछे हट जाती हैं और आप नींद को लेते हैं।
हमारा ब्रेन बड़ा फ्रेजाइल सा है, इसको जिस तरह हम ट्रेन करेंगे वैसा ट्रेन हो जाएगा। अगर हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा ब्रेन ये मैसेज लेता है कि सोचना ज्यादा प्रायोरिटी है, सोना प्रायोरिटी नहीं है। जिस चीज को हम रिपीटेडली प्रायोरिटी देंगे तो हमारा ब्रेन बार बार उस चीज को मंजरेआम पर लाकर देखना शुरू करेगा। लेकिन जब हम अपने आप को ये कमांड एक देते हैं कि मैंने इस वक्त सोना है, सुबह जाकर मैं इतने बजे इस मसले के ऊपर सोच विचार करूंगा, तो हम अपने ब्रेन को बेसिकली ये समझा रहे हैं कि सोना मेरी प्रायोरिटी नंबर वन है, सोचना मेरी प्रायोरिटी नंबर टू है, और ये मैं सुबह के एकात में सोचूंगा और फिर आपको ज्यादा सोचें बेड टाइम के ऊपर नहीं आएंगी। इसी तरह से आप अपनी कोई बेड टाइम की रूटीन भी मुख्तस करते हैं कि जैसे अक्सर मैंने देखा है घरों में जो खवातीन होती हैं वो सारा दिन कामकाज करती रहती हैं और फिर वो थक हार कर बिस्तर पर लेटने की तरफ जाती हैं और सारे दिन की सोचें उनके जहन में आती हैं। अपना कोई रूटीन जरूर डेवलप करें कि सोने से पहले जैसे बाथ लेना या कोई किताब पढ़ना या लाइट सा म्यूजिक सुनना या फिर सोने से पहले तकरीबन एक घंटा तक कोई भी स्क्रीन जो है उसको अवॉइड करने की तरफ जाएं और फिर आप बिस्तर पर सोते हैं, या आप दांत ब्रश करते हैं, बाल ब्रश करते हैं और अपना एक रूटीन बनाते हैं कि मैंने कपड़े चेंज करने हैं, दांत ब्रश करने और फिर मैंने बिस्तर पर आना है। जब आप दो तीन एक्टिविटीज इकट्ठी करते हैं और उसके साथ आप सोना जोड़ देते हैं तो आपका ब्रेन इसको भी अहम कंसिडर करता है और वो कहते हैं अच्छा अब ये दांत ब्रश कर रहे हैं इसका मतलब है अगला काम अब इसका सोना है और ये जाकर सोने की तरफ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि अगर हम अडॉप्ट करें तो हमें ज्यादा आसानी पैदा हो सकती है अपनी नींद को बेहतर बनाने में और गहरी बनाने में। इसके अलावा आप अपना जो कंफर्टेबल बेडरूम का एनवायरमेंट है उसको कंफर्टेबल रखते हैं कि अगर आपको नींद डार्कनेस में सोना पसंद है तो हैवी कर्टन्स आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें अगर लाइट फिर भी आती है तो आप जो स्लीपिंग मास्क है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नॉइज से प्रॉब्लम है तो नॉइज अपने बेडरूम के अंदर कम रखें और आप सोने के औकात को कंफर्टेबल अपने लिए बनाने की तरफ जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उज्मा, बहुत शुक्रिया आपका, कितनी जबरदस्त बातें आप बता देती हैं जब भी आती है। अच्छा जनाब, इंसोम्निया के हवाले से तो हमने डिस्कशन किया और हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे हम डेफिनेटली गाना सुनने वाले हैं, लेकिन अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे पेज पर जागो लाहौर के, और अगर आज का शो मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। हम तो कर रहे हैं अल्लाह हाफिज, लेकिन नसरत हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम आपसे डेफिनेटली एक भंगड़ा सॉन्ग जरूर सुनेंगे। ठीक है, सुना देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चाबी जिंज कुड़ियां दी चाबी।